हाय एवरीवन, दिस इज मोहम्मद सलमान। आप देख रहे हैं टेक्निकल्स रिव्यू यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए आज हम बात करने वाले हैं माइडिया का 6 kg और 7 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बारे में, जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेलिंग है। इसका जो मशीन आता है टोटली स्क्रीन टच के साथ, उसका हम डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम फर्स्ट इसके टोल फ्री नंबर के बारे में बात करेंगे। अगर आपके वॉशिंग मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा तो मेक श्योर टू ये नंबर से लॉग इन करा लीजिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1800-419-3333। ये नंबर पे आप कॉल लॉग इन करा लेके टेक्नीशियन विजिटिंग करा ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। इसका मेंटेनेंस आता है एवरी संडे के दिन, मिक्सर के 40 या 60 प्रोग्राम पे लगा देके ऑन करके छोड़ दीजिए। क्या है बोले तो, आप डेली बेसिस पे यूज करते रहते ना तो उसके अंदर डस्ट फॉर्मेशन वो आ जाता ना, तो एवरी संडे के दिन आप मॉर्निंग उठते की वो और मिक्सड पे 60 या 40 या 60 डिग्रीज पे लगा देके ऑन करके छोड़ दीजिए। ना सर्फ डालना, ना कंफर्ट डालना, ना कुछ भी नहीं डालना, खाली सिंपल कॉटन 40 या 60 पे लगा देकर ऑन कर दीजिए। चलिए अब हम इसके प्रोग्राम सेक्शन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम आता है इसका क्विक 15। आप टोटली प्रोग्राम्स में, आप जो भी प्रोग्राम यूज कर रहे हैं उसमें 8 to 10 क्लॉज तक यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रोग्राम है क्विक 15 उसके अंदर आप 2 क्लॉज डाल सकते हैं। इसमें टाइम कम है, पानी कम रहता, तो 2 क्लॉज डाल के क्लीन कर सकते हैं। फास्ट वॉश है तो इसमें मेक श्योर टू 2 क्लॉज डाल के क्लीन करिए। तो क्विक 15 में 15 मिनट में आपको रेडी करके दे देगा। सेकेंड प्रोग्राम आता है रैपिड 45। रैपिड 45 का मतलब क्या है बोले तो, अगर डेली बेसिस के लिए आप क्लीन कर रहे हैं तो 8 to 10 क्लॉथ तक डाल के क्लीन कर ले सकते हैं रैपिड 45 पे। चलिए अब हम बात करते हैं मिक्सर के बारे में। मिक्सर में यूज कर रहे बोले तो, अगर आपके पास मिक्सड क्लॉथ है जैसा कि शर्ट्स, पैंट्स, साड़ीज वगैरह टोटली मिक्स है, तो 8 to 10 क्लॉथ तक डाल दीजिए उसके अंदर, मशीन के अंदर, और मिक्सर के प्रोग्राम में लगा देके ऑन कर दीजिए। उसके नीचे आप आता है 20, 40, 60। ये क्या है बोले तो, टेम्परेचर सेटिंग है। इनसाइड इनबिल्ट हीटर रहता है वॉशिंग मशीन के अंदर, तो मेक श्योर टू अगर थोड़ा डटी है बोले तो 20 पे लगा लीजिए, अगर थोड़ा और ज्यादा है बोले तो 40, अगर टोटली डटी है बोले तो 60 पे लगा देके हॉट वाटर से क्लीन कर लीजिए। आप मेक श्योर टू 8 to 10 क्लॉथ तक डालिए। चलिए अब हम उसके नीचे के सेक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रोग्राम के बारे में। हाइजीनिक, हाइजीनिक का मतलब क्या है बोले तो, ये एंटी एलर्जी टाइप का भी रहता है। क्विक 90 बोले तो हॉट वाटर टोटली अपन बॉइल करे सो वाटर से क्लीन करके दे देगा ये वॉशिंग मशीन। तो मेक श्योर टू इसमें क्या है बोले तो, जैसा कि कोई बाय चांस आपके पास कोई फीवर से सफर हो रहे तो उनके क्लॉथ क्लीन करने का है बोले तो, हाइजीनिक के प्रोग्राम में डाल के क्लीन कर लीजिए। तो उसमें क्या है बोले तो, टोटली हॉट वाटर से क्लीन करके देगा, यानी तो हॉस्पिटल वगैरह के लिए यूज होने का, यानी तो टोटली आपके पास डर्टी क्लॉथ है तो उसके लिए भी हाइजीनिक ज्यादातर यूज होता। ये इंटेंसिव भी है बोलते, टोटली डर्टी क्लॉथ रहते ना उसके लिए भी यूज होता हाइजीनिक, लेकिन पूरा बॉइल करे सो वाटर से क्लीन करता हूँ हाइजीनिक में। चलिए अब हम उसके नीचे के सेक्शन प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे बारे में, जैसा कि रिंस एंड स्पिन। रिंस एंड स्पिन का मतलब क्या है बोले तो, अगर आपके पास स्मेल आ रहे क्लॉथ में तो एक बार रीवॉश कर लेने का है बोले तो, वॉशिंग कर लेने का है बोले तो, रिंस एंड स्पिन पे लगा देके ऑन कर लीजिए। तो ये क्या है बोले तो, आपको रिंस करके दे देगा, अच्छे पानी से खंगाल कर देगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्पिन के बारे में। स्पिन क्या है बोले तो, अगर आपके पास ड्राई क्लॉथ है बोले तो कच्चे कपड़े है तो उसको लेके आके मशीन के अंदर डाल दीजिए, स्पिन पे लगा दीजिए, टोटली ड्राई करके दे देगा आपको वो, कितना 12 मिनट से अप्रोक्स ले लेके क्लीन करके दे देगा। उसके बाद आता है एको वॉश। एको वॉश में क्या है बोले तो, 40 to 60 डिग्रीज हॉट वाटर से क्लीन करता है, लेकिन मशीन 4 आवर्स चलेगा आपको। इसमें मेक श्योर टू क्या है बोले तो, टोटली डर्टी क्लॉथ रहते ना तो कॉटन इको में लगा के क्लीन कर लीजिए, लेकिन चलता 4 आवर्स, लेकिन आपको पावर कंजम्पशन रहेगा इसमें एको बोले तो इकोनॉमिकली, तो इसमें क्या है बोले तो पावर कंजम्पशन रहेगा आपको। चलिए अब हम बात करते उसके ऊपर के प्रोग्राम के बारे में, जैसा कि डिलीकेट। डिलीकेट का मतलब क्या है बोले तो, अगर लेडीज के वर्किंग साड़ी से स्टोन्स वगैरह, कुंदन वगैरह के डिजाइन के साड़ी से, तो डिलीकेट पे लगा देके ऑन कर दीजिए। तो इसमें क्या है बोले तो, ज्यादा स्पीड से नहीं चलता मशीन, टोटली स्मूथली चल के आपको क्लीन करके दे देगा। उसके बाद में आता है जींस। जींस में क्या है बोले तो, मेक श्योर टू 6 जींस तक ही डालिए, उससे ज्यादा मत डालिए, कहीं बोलते टाइट हो जाएगा। 6 जींस तक डाल के क्लीन कर लीजिए, 6 जींस अंदर डाल देके आप
ऑन कर दीजिए। चलिए अब हम कॉटन के प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। कॉटन में क्या है बोले तो आप नॉर्मल कूल्ड बल के है ना, कूल्ड बल के अगर प्रोग्राम में लगाए बोले तो नॉर्मल आपका जो टैप का पानी है, जो आपका टैंक का पानी रहता है ना, उससे क्लीन करके देगा। अगर 20, 40, 60 पे लगाए बोले तो आपको अंदर का हीटर इनबिल्ड हो जाएगा और हॉट वाटर से क्लीन करेगा, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा रहेगा इसमें। और उससे तो अच्छा है अल्टरनेट आप मिक्सड के प्रोग्राम से यूज कर लीजिए, टाइम कम रहेगा उसमें, 130 मिनट्स में ही आपको अप्रॉक्स क्लीन करके दे देगा। चलिए अब हम बात करते हैं कॉटन में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। कॉटन में कॉटन शारीज, कॉटन शर्ट्स, कॉटन टी शर्ट्स वगैरह, यानी तो कॉटन बनियंस वगैरह ये डाल के क्लीन कर लीजिए। चलिए अब हम डिले के बारे में बात करेंगे। ये डिले का मतलब क्या है बोले तो अगर आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आपको आया तक का पूरा टोटली मशीन क्लीन क्लॉज करके रख देना है बोले तो डिले ऑप्शन को सेट कर लीजिए। जैसा कि फॉर सपोज आप 5 आवर्स के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट प्रोग्राम रैपिड कितना है 45 मिनट से, बोलते 1 आवर समझिए, इसमें 4 बोल के सेट करिए, 1, 2, 3, 4, जैसा इसमें 24 आवर्स तक रहता इसमें 4 बोल के सेट करिए, 4 आवर्स मशीन बंद रहेगा, लास्ट का 1 आवर मशीन ऑन हो जाएगा। अगर 24 आवर्स के लिए जा रहे तो आप 23 बोल के सेट करिए, उसमें 23 नंबर सेट करिए, 23 आवर्स मशीन बंद रहेगा, लास्ट का 1 आवर मशीन ऑन हो जाएगा। इसमें मेक श्योर क्या है बोले तो अगर बाई चांस करंट भी चले गया तो आपको जितना इधर करंट गया 2 आवर्स करंट गया बोले तो वहाँ पे 2 आवर्स इंक्रीज होकर आएगा, ऑन होगा मशीन, मेक श्योर टू, उसमें कन्फ्यूज मत होइए। चलिए अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा रिंस। एक्स्ट्रा रिंस में क्या है बोले तो कंपनी से क्या रहता है बोले तो फर्स्ट वॉश करता, 2 टाइम्स अच्छे पानी से रिंस करता, लास्ट में स्पिन करता। तो अगर आपको फर्स्ट वॉश करना है 2 टाइम्स नहीं, मेरे को 3 टाइम्स होना है रिंस बोले तो एक्स्ट्रा रिंस को प्रेस कर दीजिए। इसमें क्या है बोले तो आपको 3 टाइम्स अच्छे पानी से वॉश करके दे देगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्पिन। स्पिन के बटन को टच मत करिए, ये क्या है बोलते हैं उसका आरपीएम इंक्रीज करने का रहता, कितने आरपीएम से रन करना है वो रहता स्पिन के बटन में, उसको टच मत करिए, इनबिल्ड ही टोटली सेट होके रहता, उसको कुछ भी टच मत करिए। चलिए अब हम बात करते हैं प्री वॉश। प्री वॉश का मतलब क्या है बोले तो अगर आप क्लॉथ क्लीन ही है बोले तो आप वॉश के लिए डाल दिए, अंदर डाल दिए के बाद में निकाले तो अभी भी क्लीन नहीं हुआ हो, पूरा वॉश कंप्लीट हो गया लेकिन आप निकाल के देखे तो अभी भी क्लीन नहीं है, तो फिर अंदर वही क्लॉथ को अंदर डाल देंगे, प्री वॉश सेक्शन को प्रेस कर दीजिए, वो प्री वॉश करके देगा आपको क्लीन। उसके बाद आता है लास्ट स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन प्रेस करिए बोलते मशीन एक्टिवेट हो जाएगा।